अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आए आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दो स्टाइल की भिंडी की भाजी। एक तो ये नॉर्मल सादी भिंडी की भाजी होगी और एक होगी कुरकुरी भिंडी। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को अच्छी तरीके से चॉप कर लिया धोकर। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पैन, उसके अंदर डाल दूँगी दो चॉप्ड ऑनियन, उसके साथ डाल दूँगी एक हरी मिर्ची और दो लहसुन की कली। इसको बारीक चॉप करके उसको हल्के से हम सॉटे करना है। फिर उसके अंदर ही मैं डाल दूँगी नमक और हल्दी। जब वो हल्का सा सॉटे हो जाए यानी गुलाबी कलर आ जाए उसमें, तो हमें उसके अंदर ऐड कर देना है हमारी चॉप की हुई भिंडी और उसको अच्छी तरीके से हमें भून लेना है फास्ट गैस पे। और बीच बीच में हमें एक बार उसको स्टर करना है और ये मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसको ढककर पकाना है। और जब ये खोले हम और उसमें ये चिकनाहट आती है और नहीं जाती है, तो हमें क्या करना है, उसमें डाल देंगे हम एक टीस्पून हमें डालना है नींबू का रस या विनेगर डाल दीजिए। उसको बस भून लीजिए फास्ट गैस पे। बस यहाँ पे बनकर रेडी हो जाती है आपकी भिंडी की भाजी। इसको सर्व किया था कढ़ी के साथ चावल, कुछ फ्राई भजिए और साथ ही साथ ही मैंगो। तो आप लोग ही बनाइए रेसिपी, मुझे बताना कि कैसा लगा आप लोग को भिंडी की भाजी। तो अभी चलते हैं हम दूसरी रेसिपी की तरफ यानी कुरकुरी भिंडी। यहाँ पे मैंने भिंडी को स्लिट कट कर लिया है, बिल्कुल इसी तरह देख सकते हो आप लोग। मैंने इसको एकदम पतला पतला काट लिया है। उसके अंदर 3 टेबलस्पून हमें लगेगा बेसन, 1 टेबलस्पून लगेगा हमें धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लगेगा कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून लगेगा हल्दी, 1/2 टीस्पून लगेगा हमें चाट मसाला और 1/2 टीस्पून लगेगा हमें ज़ीरा पाउडर और 1/2 नींबू हमें डालना है, 1/4 टेबलस्पून हमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। उसको 15 से 20 मिनट मैरिनेट करना है। मैरिनेट के बाद हम तेल अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे भिंडी। और हम भिंडी को हमें एकदम छुट्टा छुट्टा करके डालना है, वरना आपकी भिंडी चिपक जाएगी एक दूसरे से, तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। जब वो अच्छी तरीके से ब्राउन कलर, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए उसमें, तो हमें इसको निकाल लेना है। और यहाँ पर बनकर रेडी हो जाती है मेरी भिंडी। उसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला और नींबू का रस। और यहाँ पर आप उसकी साउंड सुनिए, कितना यम्मीलिशियस बनाता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग भी बनाइए रेसिपीज और मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो फॉलो मी इन माय इंस्टाग्राम आईडी। अल्लाह हाफिज़।